हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड फर्स्ट लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो जो वेटिंग जो लिस्ट है सेकेंड लिस्ट है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के हिसाब से फर्स्ट लिस्ट है। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है क्या जो सेकेंड इसके बाद कोई लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप जाके देख सकते हैं, मैंने बोला था कि 20 प्लस सीट अभी खाली है, वैकेंट है, तो 20 प्लस सीट वैकेंट है। और तीन चार कोर्स में मैंने डैम से और बोला था कि इसमें सीट खाली है, इवन मैंने आपको रोल नंबर उनके रोल नंबर भी दिए हैं। कुछ इसी सिक्वेंस में आएंगे, जैसे हिंदी पोल साइंस बताया था कि दो सीट खाली है लेकिन तीन सीट खाली हो गई उसमें, और मैंने बताया था इंग्लिश में दो सीट खाली है उसमें भी दो सीट खाली थी। तो आपने देखा होगा कि जो बोला वही आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले थर्ड लिस्ट की आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे पहले मैं हम लोग सेकेंड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, सेकेंड लिस्ट में किन किन का हुआ है। तो जैसे मुस्लिम में देखिए, इंग्लिश इकोनॉमिक्स मुस्लिम में आपका एक लोग का मतलब सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट से एक लोग का सिलेक्शन हुआ है। फिर इसके बाद जो सेकेंड है आपका इंग्लिश जियोग्राफी में एक बंदे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। और फिर उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश हिस्ट्री। तो इंग्लिश हिस्ट्री में दो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक जनरल कैटेगरी से हुआ है, एक मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी से हुआ है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस्लामिक स्टडी। तो इसमें एक लोगों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। फिर इसके बाद जो है, आप काउंट करते रहिए, आप काउंट कीजिए, आपको 25 दिख जाएगा, 25 सीट दिख जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में एक जनरल से एक हुआ है और मुस्लिम से एक हुआ है, दो लोग का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो खैर मैंने इनके बारे में तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ हिंदी वाले में बोला था मैंने। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश बायो साइंस। तो बायो साइंस से दो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक जनरल और एक मुस्लिम वोमेन से। फिर इसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री और मीडियम इनका इंग्लिश है। ठीक है, तो दो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक जनरल से और एक मुस्लिम कैटेगरी से हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इंग्लिश आप जाके अभी भी देख सकते हैं कि इनका रोल नंबर आप मेरे सेकेंड लास्ट वीडियो है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनका रोल नंबर मैंने मेंशन किया था कि इनका सिलेक्शन 100% हो रहा है। ठीक है, अब बाकी मैंने बोला था कि एक सीट और खाली है, वो हो सकता है कि मुस्लिम और जनरल में मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने बस लिखा था कि एक सीट और खाली, तो दो सीट देखिए यहाँ पर आपको खाली दिख गई। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आपका हिंदी चलिए उर्दू हिस्ट्री उर्दू मीडियम एक सीट यहाँ भी हुआ इनका सिलेक्शन। फिर उर्दू अरबिक एक लोग का सिलेक्शन हुआ मुस्लिम कैटेगरी से। फिर इसके बाद आ गया उर्दू पर्शियन, एक लोग का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। फिर उर्दू में चार बोला था, गलती से निकल गया क्योंकि मैं श्योर नहीं था, मैंने चार बोला था, लेकिन इसमें दो लोग का सिलेक्शन हुआ है, इसमें। ठीक है, जैसे मुझे मिला था चार का डेटा, लेकिन यहाँ पर दो ही लोग का सिलेक्शन हुआ है। लगता है जो दो कैंसिल कराने के लिए बोल रहे थे उन्होंने कैंसिल नहीं कराया है, दो कैंसिल कराने के लिए मुझसे बोले थे लेकिन कैंसिल नहीं कराया उन्होंने, इसके वजह से दो ही रह गया। ठीक है, उर्दू मैथमेटिक्स से दो लोग का सिलेक्शन हुआ है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जियोग्राफी मीडियम हिंदी एक लोग का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से, आप देख सकते हैं इसे। फिर इसके बाद देखें आप जाके इसका भी देख लीजिएगा जाके, मैंने बोला था कि एक लोग का मुस्लिम ओबीसी से होगा। ठीक है, जो रोल नंबर मैंने यहाँ दिया है एक्चुअल में ये रोल नंबर यहाँ चला गया है। ठीक है, और बाकी इनका मैंने ऊपर वाला लिस्ट आप जाके देख लीजिए कि मैंने बोला था कि एक मुस्लिम कैटेगरी से हो रहा है। ठीक है, और एक मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी से हो रहा है, तो दो लिस्ट तो मैंने बोला था, लेकिन ये थर्ड एक और आ गया। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं, जो आप सेकेंड लिस्ट देख रहे हैं, मतलब जो मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में देख रहे हैं, इनका है, इनका थर्ड लिस्ट था, मतलब थर्ड नंबर पर नाम था, इनका थर्ड नंबर पर नाम था मुस्लिम में, बाकी इन दोनों लोग का इनका फर्स्ट पर नाम था और इनका जनरल में था। ठीक है, जनरल में सेकेंड, तो इधर आ गया इनका नाम। तो तीन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो टोटल 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट से आउट ऑफ 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए, थर्ड लिस्ट तो आएगी, इसका सियोरिटी है कि थर्ड लिस्ट आने वाली है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, थर्ड लिस्ट आने वाली है। अब जैसे ही इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, तो एक हफ्ते के बाद थर्ड लिस्ट भी आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ डेट दिया गया है, एक मिनट सर देख लेते, डेट कब का दिया गया है, डेट आपका है सबमिशन का 29 और 30। ठीक है, 29 और 30, तो 7 डेट को आ जाएगा। ठीक है,
तो जो लिस्ट आएगी वो सेवन से एट के बीच में आ जाएगी लिस्ट। थर्ड लिस्ट कब आएगी? सेवन से लेके एट डेट के बीच में आ जाएगी थर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करें आप तक मिलते रहे नोटिफिकेशन। और हमारे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इससे आपके साथ साथ उनका भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।